पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसमें लाइन से सारे वीडियो दिए हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं फिर इस न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है, नितिन कंपनी लिमिटेड थिंक्स टू सेट अप अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 10 लाख, मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो मेरी 10 लाख है। कैश इनफ्लो बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर आर एज फॉलोस, 6 साल तक जो कैश इनफ्लो हो रहा है बिफोर डिप्रिसिएशन एंड आफ्टर चार्जिंग टैक्स, दैट आर 4, 3, 2, 2.5 लाख, 1,75,000 एंड 1,50,000, तो ये मेरे कैश इनफ्लो हैं। अब यहाँ दिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक पीरियड, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये 4 चीजें हमें निकालनी है। तो जो क्वेश्चन में पहले डेटा दिया हुआ है उसको हम देख लेते हैं, फिर चारों चीजों को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा डेटा सबसे पहले जो दिया है वो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपीज, जो हम याद रखेंगे या कहीं हम लिख लेते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज ऑफ 10 लाख। तो हम यहां पे हम लिख ले रहे हैं कि मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 10 लाख। और जो कैश इनफ्लो हो रहे हैं 6 इयर्स तक, वो मैंने यहां पे एनुअल कैश फ्लो करके लिख लिया है। हमें क्वेश्चन में सबसे पहले जो निकालना है वो है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड निकालने का फॉर्मूला जो होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, पे बैक पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, वो है ई प्लस बी बाई सी मल्टीप्लाई बाय 12। ये फॉर्मूला आपका अनइवन कैश फ्लो के केस में यूज होता है। तो अनइवन कैश फ्लो का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला कहां से आया ये मैंने प्रीवियस वीडियो पे बैक पीरियड जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, उसके थ्रू समझ सकते हैं। अब यहां मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो ई का क्या मतलब है यहां पर, हमने यहां पर रिकैप कर दिया कि ई का क्या मतलब होता है बी और सी का। तो देखिए, ई का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। ये तीनों चीज अभी हम यूज करेंगे। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो कैश इनफ्लो जो हो रहा है ये अनइवन है, ध्यान रखिए अनइवन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, जितने भी मैंने अनइवन के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे पेबैक पीरियड के। तो यहां पे 4 लाख क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं, 4 प्लस 3 7 लाख, देन 7 प्लस 2 9 लाख, 9 प्लस 2.5 11.11 लाख 50,000, then this plus this 12 लाख 25,000 और लास्ट में 1,50,000 और ऐड हो जाएगा 14,75,000। तो 14,75,000 ये हमने क्यूमुलेटिव एनुअल कैश फ्लो निकाल लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं जो हमें पेबैक पीरियड निकालने में हेल्प करेगा। ई का क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। हमारा रिकवरी कितना होना चाहिए, 10 लाख रुपीज, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, तो हम ढूंढेंगे पेबैक पीरियड निकालते समय कि 10 लाख मेरा कब रिकवर हो रहा है। लेकिन यहां क्या पूछा है, ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। ईयर ऑफ रिकवरी देखिए 10 लाख की यहां पर हो जा रही है, लेकिन क्या पूछा है, ईयर पूछा है इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ रिकवरी। ईयर ऑफ रिकवरी ये है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग कौन सा है, ये मतलब कितने साल हुए, 3 साल। तो ई क्या हो गया मेरा 3 प्लस, बी क्या है चलिए देखते हैं, बैलेंस ऑफ अमाउंट इन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड 9 लाख है, हमें रिकवरी कितनी करनी है, 10 लाख तक की रिकवरी लानी है। तो कितना बैलेंस बच रहा है, 10 लाख माइनस 9 लाख। बी का फिर से समझा देते, बैलेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिकवर्ड, इन्वेस्टमेंट कितनी है मेरी 10 लाख, अभी तक कितनी रिकवर हो गई 3 ईयर्स में 9 लाख, कितना बैलेंस बच रहा है 1 लाख। तो बी का क्या मतलब है, 10 लाख माइनस 9 लाख। तो हम यहां पर 10 लाख माइनस 9 लाख ना लिखकर हम सीधे आपका 1 लाख लिख दे रहे हैं, अपॉन सी इंटू 12। तो सी क्या है देख लेते हैं, कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल रिकवरी कब हो रही है मेरी, यहां पर इस साल मेरा कैश इनफ्लो कितना है 2.5 लाख का, तो आप नीचे 2.5 लाख लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पे बैक पीरियड। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4
और इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 3 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। और इसको सॉल्व करेंगे, जितने मंथ्स आएंगे वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पे है हमारा 120 अपॉन 25 विच इज 4 ईयर्स। तो हमारा आ गया 4 ईयर्स। इट मीन्स मेरा पे बैक पीरियड जो है, जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज पे बैक पीरियड विच इज 3.4 ईयर्स। अब आते हैं दूसरा जो क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है, दैट इज पोस्ट पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मेरा 3.4 ईयर्स है। पोस्ट पे बैक पीरियड मतलब टोटल जो लाइफ है उसके बाद, जो टोटल लाइफ है आपकी प्रोजेक्ट की या मशीन की, टोटल लाइफ में पोस्ट पे बैक पीरियड निकालना है। पे बैक पीरियड 3.4 ईयर्स है, उसके बाद कितना बच रहा है, मतलब 6 ईयर्स माइनस 3.4 ईयर्स। लाइफ इन ईयर्स, लाइफ कितनी है, 6 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन ने दिया है ना, 6 ईयर्स तक मिल रहा है। और पे बैक पीरियड लाइफ कितनी है, 3.4 ईयर्स। तो मेरा पोस्ट पे बैक पीरियड आ जाएगा 2.6 ईयर्स। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया, बहुत ईजी सा था ये कॉन्सेप्ट, आप समझ सकते हैं प्रीवियस वीडियोस को देखकर, वहां पे हमने लाइन से सारे वीडियो समझ। पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, प्रीवियस वीडियो में मैंने जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है तो आपको बताया है कि जब पोस्ट पे बैक प्रॉफिट निकालना होगा तो हमें दो कंडीशन दिखाई देगी, इवन एंड अन इवन कैश फ्लो का। तो देखिए ये जो कैश फ्लो हो रहा है ये अन इवन है। अन इवन के केस में पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कैसे निकलेगा, क्यूमुलेटिव ऑफ सेविंग ऑफ सरप्लस ईयर्स प्लस सैल्वेज वैल्यू। इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू जीरो है तो हमको सैल्वेज वैल्यू जीरो मान लेंगे। क्यूमुलेटिव ऑफ सेविंग्स ऑफ सरप्लस ईयर्स, सरप्लस ईयर्स कितने हैं, मतलब एक्स्ट्रा ईयर, मतलब सरप्लस ईयर का मतलब ये भी है पोस्ट पे बैक पीरियड ईयर्स, तो कितने हैं, 2.6 ईयर्स। मतलब यहां पर मेरा इस साल जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख है वो पूरा रिकवर हो रहा है। एक्स्ट्रा टाइम पीरियड कितना है, 2.6 ईयर्स। और उस एक्स्ट्रा 2.6 ईयर्स में कैश का इनफ्लो एक तो ये हो रहा है और यहां पर 10 लाख से एक्स्ट्रा जो अमाउंट आया है, कितना आया है यहां तक, 10 लाख अगर रिकवर हो रहा है तो एक्स्ट्रा 1.5 लाख बच रहा है इस साल, तो मतलब यहां पर 1.5 लाख और हमें मिल गया। तो हमारा टोटल, देखिए क्यूमुलेटिव ऑफ सेविंग्स ऑफ सरप्लस ईयर्स, सरप्लस ईयर की क्यूमुलेटिव सेविंग करते हैं तो क्या ऐड करना होगा हमें, इसको इसको और 1.5 लाख। यहां पे 1.5 लाख कैसे आया यहां पर, क्योंकि 10 लाख यहां तक अगर रिकवर हो रहा है तो कितना एक्स्ट्रा बच रहा है, 1.5 लाख। 11,50,000 माइनस 10 लाख, तो आपका 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा यहां मिल गया। और ये दो जो और सेविंग्स आपकी सरप्लस ईयर्स में आई उनको ऐड कर दीजिए। तो किसको ऐड करेंगे, दिस दिस एंड दिस, तो 1.5 लाख 1.5 लाख 3 लाख प्लस 1,75,000 4,75,000। तो हमारा पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कितना हुआ, 4,75,000 प्लस सैलवेज वैल्यू विच इज 0। तो हमें वैल्यू मिल गई फाइनल पोस्ट पे बैक प्रॉफिट 4,75,000। आई थिंक बहुत इजी सा था। प्रीवियस वीडियो को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वहां मैंने स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में ही पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दिया है। चारों स्टेप में चारों चीजें निकल आती हैं, तीनों चीजें, 1, 2 और 3। ये पोस्ट, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है जो मैंने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। अब आते हैं लास्ट, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जो मेन चीज निकालनी थी हमें इस क्वेश्चन में। पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट, जो मेरा ये है, अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो ये मैंने लिखी थी क्वेश्चन से, इनटू 100। तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कितना है, 4,75,000 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 और 10 बचा, तो मतलब 47.5% इज माय प्रॉफिटेबिलिटी, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये तो पूरा क्वेश्चन हो गया सेकंड हमारा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी।